हेलो प्यारे बच्चों, टुडे आई एम गोना स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। इस चैप्टर का कोई पर्टिकुलर टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको ये पता हो कि प्लाज्मिड क्या होता है, क्योंकि पूरी बायोटेक में प्लाज्मिड का बार बार यूज़ होना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि प्लाज्मिड होता क्या है, प्लाज्मिड कितने तरह का होता है और प्लाज्मिड का फंक्शन क्या होता है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं प्लाज्मिड के बारे में। एक बैक्टीरियल सेल के अंदर आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा सा क्रोमोसोम रहता है, और इस क्रोमोसोम को हम मेन क्रोमोसोम या मेन जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। यही जो क्रोमोसोम होता है, यही जो डीएनए होता है, ये क्या पूरी सेल को, सेल की जितनी भी फंक्शनिंग होती है सभी को यही संभालता है। ऑलमोस्ट हर तरह का काम यही करता है। इस डीएनए के बिना सेल का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। ये होता है मेजर जीनोम, इसको बोलते हैं हम मेजर जीनोम। बट बच्चों, इसके अलावा भी एक और डीएनए सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर, जो काफ़ी छोटा सा होता है इस तरह का, जो सेल के कुछ विशेष कार्यों को संभालता है। अब बच्चों, ये जो छोटा सा डीएनए है, इसकी कुछ खास बातें, कुछ विशेष प्रॉपर्टीज़ होती है, हम उनको स्टडी करेंगे। आपको ये बात याद रखनी है कि सेल नॉर्मल कंडीशन में मेन जीनोम के सहारे चलती है। अगर ये ना हो तो सेल सर्वाइव नहीं कर सकती। अगर प्लाज्मिड निकाल दिया जाए तो भी सेल सर्वाइव कर सकती है, बट इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड कुछ विशेष सिचुएशंस में सेल के लिए हेल्पफुल होता है। वो क्या सिचुएशन होती है वो भी हम आगे देखेंगे। तो चलो एक बार प्लाज्मिड की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि प्लाज्मिड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। प्यारे बच्चों, प्लाज्मिड की जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो ये कि ये इस क्रोमोसोम से अलग है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसका जो साइज है वो काफी स्मॉल है, सो इट इज स्मॉल इन साइज। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो ये डीएनए होता है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, सो इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये मोस्टली केसेस में सर्कुलर मिलेगा, मोस्टली केसेस में सर्कुलर। इसकी एक खास बात होती है कि ये ऑटोनोमस है, यानी कि ये अपने काम खुद संभाल सकता है। ये जो है मेन क्रोमोसोम पे डिपेंड नहीं है अपने कामों को करने के लिए, जैसे कि ये अपनी रेप्लिकेशन खुद कर सकता है, इसीलिए ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। और क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों इसकी, देखो इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। हिस्टोन प्रोटीन इसमें एब्सेंट रहती है। जैसे कि ह्यूमन का जब डीएनए स्टडी करते हैं तो हमने देखा है कि ह्यूमन के डीएनए के अंदर अलग अलग तरह की हिस्टोन प्रोटीन होती है, H2, H2A, H2B, H3, H4, H1, सो डिफरेंट हिस्टोन प्रोटीन्स आर देयर टू होल्ड दी जेनेटिक मटीरियल, बट इस केस के अंदर कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के पास इंट्रोन नहीं होता, इंट्रोन एब्सेंट। अब ये इंट्रोन क्या है, आपको पता है कि ह्यूमन के केस में जब डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है एमआरएनए की फॉर्म में, तो उसके अंदर इंट्रोन और एक्सॉन दो चीज़ें होती है। एक्सॉन नॉन फंक्शनल पार्ट होता है और इंट्रोन जो होता है, सॉरी, एक्सॉन फंक्शनल पार्ट होता है और इंट्रोन जो होता है वो नॉन फंक्शनल पार्ट होता है, और इसके अंदर कोई भी पार्ट नॉन फंक्शनल नहीं है, सो इंट्रोन इसमें एब्सेंट है। तो बच्चों, आपको ये कुछ प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखनी है, दैट इट इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, इट इज़ स्मॉल इन साइज, डबल स्ट्रैंडेड, इट इज़ सर्कुलर, ऑटोनोमस, अपना काम खुद कर सकता है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, इंट्रोन भी एब्सेंट है, ठीक है जनाब।
अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें किसने दी बच्चों? उस महान वैज्ञानिक का नाम है जे लेडरबर्ग, और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन प्लाज्मिड के बारे में इन्होंने प्रोवाइड की, इसलिए इनको 33 साल की उम्र में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। अब देखते हैं बच्चों कि किस किस में पाया जाता है ये प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड मोस्टली बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, सभी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। बैक्टीरिया के अलावा कुछ यूकेरियोट जैसे कि यीस्ट के अंदर भी प्लाज्मिड पाया जाता है। अगर बात करें कि ये एक सेल के अंदर कितने प्लाज्मिड हो सकते हैं, सो प्लाज्मिड पर सेल, सो जीरो से लेकर के 1000 तक प्लाज्मिड एक सेल के अंदर पाए जा सकते हैं, ठीक है। और इसका साइज क्या रहता है बच्चों? प्लाज्मिड का जो साइज रहता है 1 KB, यानी कि 1 किलो बेस पेयर से लेकर के 200 किलो बेस पेयर तक इसका साइज रहता है। तो सोर्स की बात होगी, एक सेल में कितने प्लाज्मिड हो सकते हैं, साइज क्या हो सकता है, ये बातें हो चुकी हैं। अब देखते हैं, एक टर्म आती है एपिजोम। प्यारे बच्चों, ये एपिजोम क्या होता है? बच्चों अगर मान लीजिए ये एक सेल है, ये सेल का मेन क्रोमोसोम है और ये सेल का प्लाज्मिड है, किसी और कलर से बनाते हैं इसको, ये सेल का प्लाज्मिड है। अगर ये प्लाज्मिड सेल के मेन क्रोमोसोम के अंदर इंसर्ट हो जाए, अगर ये जा करके और इसके अंदर इंसर्ट हो जाए, तो इसको बोलेंगे एपिजोम। सो अगर किसी प्लाज्मिड के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो अपने आप को मेन क्रोमोसोम में इंसर्ट कर सकता है, तो दिस टाइप ऑफ प्लाज्मिड इज कॉल्ड एपिजोम।